हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई होप बेटा आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और बेटा घर से बाहर नहीं जाना है, आपको पता है कोविड की वजह से हम अपने घर में ही हैं और घर बैठ के ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अपने घर पे ही अपनी वीडियोस के साथ अपनी पढ़ाई करनी है और घर पे ही रहना है, ओके बेटा, अपनी सेफ्टी के लिए। देखो बेटा हम क्या कर रहे थे, रिविजन। और हमारे आज के क्वेश्चन है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन जो नंबर्स दिए हैं इनकी आपको फेस वैल्यू राइट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन। ओके बेटा, आपने कर रखी है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू जो चेंज नहीं होती एज इट इज, जो हमें नंबर दिखाई देता है सेम वही उसका आंसर होता है, चाहे वो वंस के प्लेस पे हो, चाहे वो टेंस के प्लेस पे हो, चाहे हंड्रेड या थाउजेंड, जो नंबर है एज इट इज उसका क्या होगा, आंसर होगा। एग्जाम्पल, अगर हम घर पे हैं और आप स्कूल जाते हो तो क्या आपका फेस चेंज होता है, सिर्फ आपकी प्लेस चेंज होती है। पहले आप घर पे थे फिर आप स्कूल चले गए तो आपका फेस तो चेंज नहीं हुआ, फेस तो आपका वही रहेगा, क्या फेस बदल जाएगा आपका, नहीं बदलेगा ना। सेम अगला क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू में क्या होता है बेटा, जैसे उसकी प्लेस चेंज होती है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वैसे ही उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे आपकी प्लेस चेंज हुई, आप पहले घर पे थे फिर आप स्कूल आ गए तो आपकी प्लेस चेंज हुई ना, प्लेस क्या हुई, स्कूल से आप घर चले गए, प्लेस चेंज हो गई। ठीक है बेटा, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन, राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। इसमें हमें क्या राइट करनी है, फेस वैल्यू। और मैंने आपके क्वेश्चंस को पहले ही प्लेसेस राइट करके राइट किया हुआ है। देखो वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड। अब स्टार्ट करते हैं इनकी फेस वैल्यू क्या राइट करनी है आपको, फेस वैल्यू। तो वन की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, वन ही होगी। नाइन की फेस वैल्यू नाइन, फोर की फेस वैल्यू फोर, एंड सेवन की फेस वैल्यू सेवन। नो चेंज, सिर्फ सिंपल आपको देखने क्या राइट है, फेस वैल्यू। फेस तो चेंज होता ही नहीं है, तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सेम वही नंबर आपको आंसर में राइट करने, वन का वन, नाइन का नाइन, फोर का फोर, सेवन का सेवन। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, अब इसका आंसर आप खुद ही बता दोगे मुझे, फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू। अब हमें इसकी फेस वैल्यूज बतानी है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, जो आपको नजर आ रहा है सेम नंबर वही उसकी फेस वैल्यू होगी। टू की फेस वैल्यू टू, क्या टू की फेस वैल्यू हम फाइव लिख देंगे क्या, अगर वो टू ही है तो उसका फेस भी तो हमें टू ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो टू की टू ही होगी, जीरो की जीरो, नाइन नाइन, और फोर की फोर की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो फोर, चाहे हंड्रेड की प्लेस पे हो, चाहे थाउजेंड की प्लेस पे हो, कहीं भी हो, जो नंबर है एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स। जो हमें डिजिट्स गिवन दिए हैं यहाँ पे 5932, इसकी हमें क्या राइट करनी है, प्लेस वैल्यूज राइट करनी है। 5932 वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे, एरो लगा लेते हैं सबके। अब देखो बेटा टू कहां पर है, टू वंस की प्लेस पे है, तो टू की सिंपल क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू टू। नेक्स्ट थ्री कहां पर है, टेंस की प्लेस पर है, वन जीरो, टेन में वन जीरो होता है। नेक्स्ट नाइन कहां पर है, हंड्रेड की प्लेस पर है नाइन, और कितने जीरो आएंगे, टू। क्यों आएंगे, क्योंकि हंड्रेड में टू जीरो होते हैं। नेक्स्ट फाइव कहां पर है, थाउजेंड पर, तो थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, वन टू थ्री, थ्री जीरो होते हैं, तो थ्री जीरो लगा देंगे। और आप ऐसे भी देख सकते हो, टू की टू, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, नो जीरो। थ्री, थ्री के पीछे वन डिजिट है, वन जीरो लगा दिया। नाइन, नाइन के पीछे वन टू, टू डिजिट्स है, टू जीरो लगा दी। फाइव, फाइव के पीछे थ्री डिजिट्स है, तो हमने थ्री डिजिट जीरो लगा दिए। तो आप रटने वाली बात हो गई, पर सिंपल आप देखें तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, आपको पता है वंस में कोई जीरो नहीं होते, वन टू नाइन नंबर तक होते हैं वंस, और टेंस में वन जीरो होता है, हंड्रेड में टू जीरो होते हैं, थाउजेंड में थ्री जीरो होते हैं। ठीक है, वो इस जीरो हमें के साथ लगानी है। नेक्स्ट देखो, जीरो के लिए 2470। अब इन सबकी हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू। क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू। प्लेसेस चेंज होती है ना बेटा, जो जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है 2000 की प्लेस पे तो मैं 200 इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूं, नो, 1000 की प्लेस पे है तो 2000 ही इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब देखो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो तो कहीं पर भी हो, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, जीरो की तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों हमेशा
जीरो ही होती है, ठीक है। सेवन टेंस की प्लेस पर है, सेवन जीरो सेवेंटी, फोर हंड्रेड की प्लेस पर है, फोर डबल जीरो फोर हंड्रेड। नेक्स्ट टू थाउजेंड की प्लेस पर है, थ्री जीरो वन टू थ्री, टू ट्रिपल जीरो टू थाउजेंड। थाउजेंड में थ्री जीरो होती है, हंड्रेड में टू जीरो होती है, टेन में वन जीरो होती है और वंस में नो जीरो। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कितनी जीरोस होती हैं इनमें, और बिल्कुल सिंपल है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम कर भी चुके हैं, ये सिर्फ आपकी रिविजन है जो आपको ध्यान से देखना है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें तो वो आपका क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट्स आपके माइंड में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और यही सम्स आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप और भी सम्स कर सकते हो। ओके बेटा, आपके मम्मी पापा से आप और भी सम्स ले सकते हो, या बुक में से आप और भी सम्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू।